अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी ये आज आपके लिए ट्रेंडी, क्लासी और बहुत ही खूबसूरत जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके आज मैं आपके लिए आई हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। लास्ट भी आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और यकीन करें ये इतना रीज़नेबल, इतना खूबसूरत, इतना डिसेंट ये फ्रॉक जो है, ये जो जिसका फ्रंट जो है वो शॉर्ट है, बैक लॉन्ग है, ये टेल में है, ये मलाइका के लिए मैंने फेयरवेल पे डिज़ाइन किया था, खुद ही डिज़ाइन किया था। जस्ट 3000 रेंज की में मैंने ये जी फुल फ्रॉक जो है ये डिज़ाइन किया था और सबने बहुत पसंद किया था कि फिर इसके ऑर्डर तकरीबन 8 से 10 मैंने फिर बनवा के दिए थे। तो चलें जी, इसकी पूरी जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो आप चेक करें, पूरी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने 5 मीटर जो है वो कतान सिल्क ले लेनी है। आप चाहें तो जिस मर्ज़ी कपड़े की, जिस मर्ज़ी कलर में ले लें। ये कतान सिल्क जो है मैंने 5 मीटर ली थी, कैप्रीज़ के साथ मैंने बनवाई है क्योंकि टाइट्स अच्छी नहीं लगेगी। साथ ही इसके पांचे के ऊपर ना थोड़ी सी टाइट में नैरो कैप्री बनवाई है, तो ऑर्गेन्जा का पैच लगवा लिया जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लग रहा था, वो थोड़ा सा मल्टी शेड में मैंने निकाल के इसके ऊपर लगवा लिया। अच्छा जी, ये कैप्री की डिटेल्स है। दुपट्टा जो है वो 2.5 मीटर जो है मैंने नेट का लिया था, इसे साथ ही मैंने सेम कलर में डाई करवा लिया और पीको करवा ली, कोई इस पर लेस या कुछ भी नहीं लगाना, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। दुपट्टा इसका जो है वो 2.5 मीटर में नेट का था। अच्छा जी, बाजू के ऊपर सिर्फ आपने इस तरह बारीक सी डिसेंट सी लेस लगानी है, सिंपल प्लेन आपने बाजू बनवाने हैं, मतलब बंद आगे से, कोई बेल शेल कुछ हम नहीं बनवा रहे। साथ ही इसके ऊपर जो पूरे फ्रॉक के ऊपर है, ये 0.5 तोला मैंने स्टोन ले लिए थे, ये आई थिंक 50 रुपीज़ के आए थे और साथ में ही जो इसकी गम है वो भी 50 रुपीज़ की। जिस तरह वीडियो में आप देख रहे हैं, एक एक स्टोन के ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी ये गम लगाते जाना है ग्लू लगा के और आपने पूरे के ऊपर स्टिक कर देना है। ये जो है बिल्कुल, ये जो स्टोन है ये नहीं गिरेंगे, ये नहीं अटकेंगे, आपके सामने है, मैंने इसे वॉश भी किया और ये नहीं अटके, गिरे नहीं हैं आज तक। अच्छा जी, नेक जो है इसकी वो डीप नहीं बनवानी, बोट नेक बनवा लें। साथ ही इसके अंदर बॉक्स प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, वो 4 to 5 जो है फ्रंट पे लगेंगी। फ्रंट जो होगा इसका वो शॉर्ट है, बैक जो है ना इसकी वो टेल में है। अच्छा जी, बैक जो है वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मेयर अपनी पसंद के मुताबिक ना मेयरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट में हम तकरीबन इतना सा हाफ जो है वो हम कट दे देंगे, कट के अंदर जो है इसकी पूरी जो एजिज़ है ना वो हमने जामावार के साथ लगवा लेना है, जामावार अंदर लगवानी है। यहाँ पर मैंने 1 मीटर जो है वो जामावार ले ली थी, आई थिंक 200 की आई थी और वो पूरी इसकी टेल में, फ्रंट पे, इसके एजिज़ के अंदर, सब के अंदर वो हमने इस तरह जामावार सिंपल लगवा लेनी है एल पाइपिंग में। फ्रंट जो है इसका शॉर्ट होगा और बैक जो है इसकी टेल में होगी और स्टोन्स इसके फ्रंट बैक पे सब पे लगेंगे उसी ग्लू के साथ। 0.5 तोला अगर आप स्टोन लेते हैं तो वो बहुत है, ठीक है ये। अच्छा, एक बाजू के ऊपर मैंने मोटिव लगवाया था, ये 500 का आया था और इसके अंदर ये जो पर फीदर्स टाइप आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप लगाना चाहें तो ये 5 आप अलग से बाय कर लें, 50 के 5 थे ये जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही अच्छा लगा था। बच्चियों ने जब भी पहना था, जब भी जिस फंक्शन पे भी पहना है, सब ने बहुत पसंद किया है। और जी अरुषा ने, अरुषा को भी खैर ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए, इसके साथ कोई ज्वेलरी नहीं साथ जी ऐड की गई, कोई हैवी मेकअप नहीं किया गया, क्योंकि ड्रेस के बाद ना इतना खूबसूरत ड्रेस हो तो फिर किसी चीज़ की भी ज़रूरत वाकई में नहीं रहती। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि लास्ट भी आपको बहुत अच्छी लगी थी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसे ड्रेस लेके आऊँ जो कि रीज़नेबल हो और हर कोई अफोर्ड कर सके। बाकी जी आपके दर्जी पर भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अच्छा टेलर है तो आपको अच्छा ही स्टिच करके देगा। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी हमेशा याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।